आई हूँ एक प्रोडक्ट रिव्यू वीडियो जो मेरे किचन में एक न्यू एडिशन है। ये है गीक रोबोकुक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर विद 11 इन 1 फंक्शंस। इसमें आप सोटेइंग, फ्राइंग, स्टीमिंग, बेकिंग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये एक मल्टीटास्किंग कुकर होगा आपके किचन में। अगर आप भी इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट अपने किचन के लिए लेने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं बना रही हूँ इसमें पुलाव। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर को सबसे पहले प्लग इन करने के बाद मैं इसे ऑन करूंगी और फिर मैं इसके डिस्प्ले पैनल से सॉटे बटन को प्रेस कर रही हूँ। तो इस प्रेशर कुकर में मैंने तेल डालने के बाद इसमें थोड़े से खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, जैसे तेजपात, बड़ी इलायची, चक्री फूल, थोड़ा सा लौंग, इलायची, दालचीनी, जावित्री और एक टीस्पून के करीब जीरा। खड़े मसालों को सॉटे करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़े साइज का प्याज जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। थोड़ा सा उसका कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ जिसे मैंने स्लिट कर लिया है और इसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी एक टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। और अब इन सारी चीजों को हम अच्छी तरह से सॉटे कर लेंगे ताकि जो जिंजर गार्लिक पेस्ट है उसका भी रॉ फ्लेवर चला जाए और जो प्याज है हमारी वो भी अच्छे से ब्राउन हो जाए। अब इसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ गाजर, आप चाहे तो अपनी पसंद की दूसरी वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और आधा टीस्पून के करीब गरम मसाला। थोड़ा सा इन सूखे मसालों को भूनने के बाद अब मैं इसमें राइस ऐड करूंगी। तो यहां पर मैं 1 कप राइस ले रही हूं और ये जो राइस है इन्हें मैंने बस वॉश करके रखा है, भिगाया नहीं है। इस कुकर की सबसे खास बात यही है कि आपको कोई भी प्री प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है, जैसे राइस वगैरह भिगा के रखने की जरूरत नहीं है, आप बस उन्हें धो के भी यूज कर सकते हैं। और इन राइस को अब हम 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे और साथ ही में मैंने इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने के पत्ते भी डाल दिए हैं। नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 कप राइस के लिए 1.25 कप वाटर यानी 1¾ कप वाटर लिया है और जो राइस है वो मैंने बासमती राइस यूज किए हैं। साथ ही में डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद मैंने कुकर का लिड लगा दिया है और मेक श्योर कर रही हूँ कि जो प्रेशर रिलीज बटन है वो पीछे की तरफ है, क्योंकि अगर वो आगे की तरफ होगा तो जितना भी प्रेशर बनेगा वो पूरा का पूरा रिलीज हो जाएगा। अब मैं सॉटे मोड को कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि जितना भी वेजीज को और राइस को भूनने का काम था वो हमारा हो चुका है। अब इसके 11 प्रीसेट मेन्यू में से जो पुलाव वाला प्रीसेट मेन्यू है उसे मैं प्रेस कर रही हूँ और इसी मेन्यू से आप कोई भी नॉनवेज रेसिपी या बिरयानी या राइस की कोई भी वैरायटी बना सकते हैं। और इसे प्रेस करने के बाद मैं इसका प्रेशर लेवल एडजस्ट कर रही हूँ, जो क्विक, मीडियम और स्ट्रांग 3 लेवल्स में आता है, उसी के अकॉर्डिंग उसका टाइम भी कम या ज्यादा होता है। तो यहाँ पर मैंने क्विक वाला चूज किया है जिसमें सिर्फ 5 मिनट में हमारा जो पुलाव है वो बनके रेडी हो जाएगा। अब टाइमिंग पूरा होने के बाद यहाँ पर मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, एक कैंसिल का और एक कीप वॉर्म का। अगर मैं इसे कैंसिल नहीं करूंगी तो ये कीप वॉर्म मोड पे चला जाएगा और हमारे राइस जो है वो गर्म बने हुए रहेंगे। अब अगर मुझे इसे तुरंत ही खाना है तो मुझे इसका प्रेशर रिलीज करना पड़ेगा, तो इसके अंदर के प्रेशर को मैं पूरा रिलीज कर रही हूँ। और यहाँ देखिए जो आपका प्रेशर लेवल इंडिकेटर बटन है वो भी नीचे की तरफ चला गया है। इसका लिड मैं ओपन कर दूंगी और ये जो गर्मा गर्म राइस है सिर्फ 5 मिनट में ही हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अगर आप तुरंत राइस नहीं खाना चाहते हैं तो कुकर के प्रेशर को आप अपने मन से रिलीज होने दें और उसके बाद लिड खोलें। ये 11-in-1 इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर बैचलर्स के लिए, वर्किंग पीपल के लिए या फिर उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है जो अपने किचन में बहुत सारा सामान नहीं रखना चाहते हैं। इस एक ही प्रेशर कुकर से आप बहुत तरह की रेसिपीज आराम से बना सकते हैं और वो भी बहुत जल्दी और इस तरह से कि उसमें सारी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू रहती है वो भी बरकरार रहे। अब मैं इसमें आपको छोले बना के भी दिखा देती हूँ, जिसके लिए मैंने प्रेशर कुकर को ऑन करके उसे सॉटे मोड पे ले गई हूँ। सॉटे मोड में ले जाने के बाद इसमें मैं तेल डाल रही हूँ, उसके बाद इसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून के करीब जीरा और 1 हरी मिर्च जिसे मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है प्याज का पेस्ट और प्याज को पीसते समय मैंने उसमें थोड़ा सा अनारदाना भी डाल दिया है, क्योंकि अनारदाना अगर हम डायरेक्ट वैसे ही डालते हैं ना तो वो बीच में कट कट होता है, अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं उसे प्याज के साथ ही पीस देती हूँ।
नेक्स्ट इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट और प्याज और अदरक लहसुन को सबको हम बहुत अच्छी तरह से भून लेंगे तब तक जब तक कि उसमें से थोड़ा सा तेल ना छूटने लगे। अब नेक्स्ट इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 टोमेटो की प्यूरी। टमाटर हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है क्योंकि जो अनारदाना हमने यूज किया है वो भी थोड़ा सा खट्टा होता है। और साथ ही में इसमें हम डाल देंगे कुछ सूखे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और यहाँ पे मैं इसमें छोले मसाला भी ऐड कर रही हूँ। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि जो टमाटर का मॉइस्चर है वो भी पूरा सूख ना जाए। अब यहाँ पर है मेरे पास छोले जिन्हें मैंने ओवरनाइट भिगा दिया था, आप चाहे तो 6 से 8 घंटे के लिए भी भिगा सकते हैं। ये भीगे हुए छोले हैं, इन्हें मैंने अभी उबाला नहीं है। अच्छी तरह से मैं इसमें इसे 1 से 2 मिनट के लिए चला लूंगी और उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ पानी। इन छोलों को मैंने अलग से बॉईल नहीं किया है और अलग से मसाले को नहीं सेका है, एक ही पॉट में मैंने मसाले को भी सेक लिया है, उसी में छोले डाल रही हूँ मैं और अब इसे हम प्रेशर कुक कर लेंगे। कुकर का लिड क्लोज कर देंगे और अब यहाँ पे जो आपको आप प्रीसेट मेन्यू है उसमें से दाल और चना वाला मेन्यू है उसे मैंने सेट किया है, तो ये मीडियम पे 40 मिनट्स दिखा रहा है तो इसे मैं क्विक पे कर दूंगी और 20 मिनट्स में हमारे जो छोले हैं बढ़िया बन के रेडी हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए डिस्प्ले पे बीबी आ गया, इसका मतलब हमारी कुकिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इसे मैं कैंसिल कर रही हूँ, अगर आप चाहे तो इसे कीप वार्म पोजिशन में भी रख सकते हैं, कुकर के प्रेशर को अपने आप रिलीज होने दे। और यहाँ देखिए गर्मा गर्म हमारे छोले बिल्कुल तैयार हो गए सिर्फ 20 मिनट में। तो यहाँ पर आपको 11 इसमें प्रीसेट मेन्यूज मिलते हैं जिसमें आप राइस, दाल चना या सांबर, ग्रेवी वाली सब्जियां, खिचड़ी, पोंगल, इडली का स्टैंड रख के आप इडली भी बना सकते हैं, सॉटे कर सकते हैं, नॉनवेज की कोई भी रेसिपी बना सकते हैं, पुलाव, बिरयानी और भी बहुत कुछ। और इन सब के साथ मैनुअल ऑप्शन भी, अगर आपको प्रीसेट में नहीं जानना तो आप मैनुअली भी इसे यूज कर सकते हैं। और जो सबसे खास इसमें पॉइंट है वो है डिले टाइमर, इसमें 30-30 मिनट्स के इंटरवल है। अगर आप चाहते हैं कि 1 घंटे बाद आपकी कुकिंग स्टार्ट हो तो आप इस डिले टाइमर को 2 बार प्रेस कीजिए तो वो 1 आवर के लिए सेट हो जाएगा और जो आपकी कुकिंग है वो 1 आवर के बाद में स्टार्ट होगी। इस इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की सबसे खास बात यह है कि नॉर्मल कुकर की तरह आपको इन्हें स्टैंडर्डाइज नहीं करना पड़ता है। जैसे डिफरेंट कुकर्स में कुकिंग टाइम कुकर के शेप, खाने की क्वांटिटी और गैस फ्लेम पे डिपेंड करता है, बट ये सारी की सारी कैलकुलेशंस इस रोबोकुक में ऑलरेडी सेट है जिससे खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही फास्ट भी। ये जो रोबोकुक है इसे मैं पिछले 1 मंथ से यूज कर रही हूँ और उसके बाद ही मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही हिट रहा। सिर्फ और सिर्फ मुझे इसमें एक ही माइनस पॉइंट लगा है कि इसकी कैपेसिटी, अगर आपकी 2 लोगों की फैमिली है तो कभी कभी आपको थोड़ा सा खाना इस 5 लीटर कैपेसिटी के कुकर में बनाना मुश्किल हो जा रहा है। उसके अलावा इसकी सारी बातें बहुत ही अच्छी है, चाहे इसके प्रीसेट मेन्यू हो, चाहे डिले टाइमर हो, और साथ ही ये जो आपके फूड की न्यूट्रिएंट वैल्यू है उसे भी काफी हद तक बरकरार रखता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अर्बन रसोई को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप इस चैनल का एक भी वीडियो मिस ना करें। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।